मेरे पास तो नहीं है ना है क्यों नहीं आप बड़े हो बड़ा तो नहीं मैंने उसको फिलहाल दी थी उसकी दाढ़ियां अच्छी उसको क्यों रख गए आपने वो बड़ा तो आप मैं घर का बड़ा हूँ उम्र में बड़ा है यार मंजूर भाई जो माल्टा आपने चुराया वो दे दो जल्दी दे दो वो माल्टा दे दो यार अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू उम्मीद है दोस्तों आप खैरियत से होंगे आज आपको एक नए व्लॉग की तरफ लेके जाते हैं सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग जैसे कि आप लोगों को पता है कि रोज़ाना हर कोई व्लॉग बनाने के लिए बाहर नहीं जा सकता कभी कभी ये कि घर के नज़ारे भी आपको दिखाने आज हम इंशाल्लाह आपको अफ्तारी भी दिखाएंगे और सैरी भी दिखाएंगे दस्तरखान पर हमारे यहाँ पे क्या क्या होता है बहुत सारी चीज़ें बहुत स्पेशल स्पेशल चीज़ें हम खाते हैं आप लोगों को पता नहीं है हम आप लोगों को दिखाएंगे इंशाल्लाह सुलेमान जी जी ये चिकन साफ करने का तरीका हमें भी बता दे यार यार इनको भी ये हमने सरफ के साथ जो है ना साफ किए बस इसमें सरफ डाले हमने और खूब रगड़ रगड़ के साफ किए असल में ये सरफ इस वजह से डालते हैं ना बाद में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है यहाँ पे हमने क्या क्या तरीके सीख लिए ये देख लो चिकन बहुत यहाँ पे ज्यादा फ्रीज हो गया तो ये इन्होंने पानी में डाल दिया चिकन को बॉयल किया इसके बाद चिकन जो है ना इसकी कटिंग बहुत ईजीली हो जाएगी फिर इसके बाद इसको कुक करेंगे ये हमारा कुक ये हमारी कुक वुमन है हमारी ये भी हमारा शेफ है शेफ या मन सल्लैत बिकुल अलंबिया या मन फी قلبك رحمه للناس या मन الفت قلوبا بالاسلام या حبيبي يا شافي हसीब भाई आपके शरबत बनाने के तरीका बहुत यूनिक है माशाल्लाह से देख लो बगैर टेस्ट किए हुए चीनी प्रॉपर तरीके से डालते हैं उसके अलावा सबसे पहले चीनी को सॉल्व करेंगे यहाँ पे फिर उसके बाद लेमन भी डालते हैं आप माशाल्लाह इस वजह से ना शरबत का काम इसको दिया हुआ है He's a senior. He's studying in 9th semester, I think. Yes. In 9th semester. بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس. अज़ान हो रही है ना? अज़ान हो रही है अभी. नमाज़ का टाइम. अज़ान हो रही है थोड़ी देर के लिए हम अज़ान सुन लेते हैं इंशाल्लाह. फिर कंटिन्यू करते हैं सारा कुछ. मेरा दोस्त दो दिन जिम जाने के बाद कोशका भी हो ना किसकी गोद में हो आप दुनिया का सबसे अमीर बंदा है उसकी गोद में हो तुम हम आपको नाइट्रो पिलाएंगे दुनिया का सबसे अमीर एक मिनट अजान हो गई है तो जब तक फ्रेंड्स वगैरह जो है वजू बनाते हैं तैयार होते हैं नमाज के लिए तब तक हम मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा देता हूँ देखो शाइनिंग फेस शाइनिंग बहुत अच्छा मौसम है यहाँ पे धूप वगैरह भी निकली हुई है और ये कि हवा भी चल रही है साथ में मैं दिखाता हूँ आप लोगों को बाहर का नज़ारा थोड़ा सा दिखाता हूँ आप लोगों को ये हम थोड़ा घर से बाहर आए आपको बाहर का नज़ारा भी दिखा दिया और ये कि हमने थोड़ी धूप भी ले ली विटामिन डी जो है उसकी कमी आ गई थी सुबह से बाहर निकले नहीं थे तो विटामिन डी भी उसे ले ली हमारा भी फ़ायदा हुआ और जो है कि वीडियो भी बन गई आप लोगों को बाहर का नज़ारा भी दिखा दिया तो यहाँ हमने नमाज पढ़नी शुरू कर दी क्योंकि टाइम बहुत कम था और काम बहुत सारा था और मेहमान भी नज़दीक ही थे या मन फी قلبك رحمه للناس या मन किचन से सामान लेके जाना तो इधर ये रोजा खोलते हैं अल्लाह वो इन्हें कसम तो और एक आमद वाली का तौर पर इसका हफ्ता था أبي لهب وطب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة حطب في جيدها حبل من مسد और यहाँ पे जैसे ही हमने रोज़ा खोल लिया तो उसके बाद नमाज स्टार्ट कर दी क्योंकि दोस्तों ने कहा कि फिर नमाज पढ़ने के बाद आराम आराम से खा लेंगे सुकून से हम दूध लेने जा रहे हैं वहाँ से आएंगे तो चाय बनाएंगे मस्त की चाय बनाएंगे रात का भाई हम रात को दूध देने बाहर आए हुए वाह क्या नज़ारे हैं दूध देने बाहर आए हैं तो दो चार मिल्क पेक लेके जाएंगे दो सहरी के लिए दो अभी
जलोदनी चाय बनाएंगे, जलोदनी नहीं, जलोदनी तो उसको कहवे को कहते हैं, हम चाय बनाएंगे, ब्लैक टी बनाएंगे, ब्लैक टी बनाएंगे आज, सर में बहुत दर्द है, जलोदनी ग्रीन टी, और आपको दिखाएंगे कि चाय कैसे बनाई जाती है, इंशाल्लाह हम आज आपको दिखाएंगे जलेबी देवी कैसी बनती है, आपको दिखाएंगे ये देखो ना, ये देखो क्या क्या बीच में क्या क्या लेके आ रहे हैं, हम जलोदनी ग्रीन टी को कहते हैं, हाँ यहाँ के लैंग्वेज में ना रशियन में जलोदनी ग्रीन टी को कहते हैं, लैंग्वेज नहीं आती है तो यहाँ पे हम क्या क्या करते हैं, देखिए बाकी मिल्क है, ये दो मिल गए, दो और है, कुछ ले लो, कुछ ले लो और कुछ ले लो, 10 सोम का ऐसे दोस्तों थे, इसके लिए मैंने केक लिए हैं, तो ले लो ना, ले लो, मैं बोतल, इतना 10 सोम तो मैं बोतल ले रहा था, ये 15 सोम इतना छोटा सा लॉलीपॉप दिया है, खुले दे दो, इस्तेमाली पैसे भाई कह रहे हैं, असल में मुझे घर का बड़ा बना दिया ना, तो ये भाई कह रहे हैं कि बड़े साहब आप ये इजाज़त दे दो कि हम ये केक वगैरह ले लेना, इस्तेमाली पैसों में सिर्फ 90 सौ में, इंजॉय करो, चिल करो, तुम भी क्या याद रखो कि ले लो, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, बगैर पैसे दिए ले जाओ, हाँ फ्री है, फ्री है, एवरीथिंग इज़ फ्री फॉर यू ब्रो, काज वी पे फॉर इट, वैसे दोस्त है इसीलिए मैंने केक वगैरह लिए, ये मुझे बोतल लेने दे रहा नहीं था यार, मैंने तो तुम्हें इजाज़त दिया कि केक ले लो, तुमने कहा कि मैंने नहीं लेना केक, लेना है केक, लेना है, झूठ क्यों, केक लेना है, केक लेना है, मैंने कितनी लेने को बोला, हाँ लेना लेना है, ले जाओ, वहाँ से ले, वहाँ से ले जाके पैसे दे दो, पैसे तो मंजूर भाई के पास है ना, मेरे पास तो नहीं है ना, क्यों नहीं, आप बड़े हो, बड़ा तो मैंने उसको फिलहाल दे दिया, उसकी दाढ़ियां थी, उसको क्यों रख गए आप, वो बड़े ना, मैं घर का बड़ा हूँ, उम्र में बड़ा है, और ये जिस दुकान हम जा रहे थे उधर हम गए हैं, रोजाना मिल्क पैक होते हैं, लेकिन आज हम गए हैं, आज हमने रात को चाय बनाई थी, वैसे हम कहवा बनाते हैं नॉर्मल रूटीन में, तो उसके पास 2 मिल्क पैक थे, हमने 4 लेने, तो हम किसी और दुकान में, इस आवाम को ये मंजूर भाई के जूते भी दिखा दो, सानी जो है ना कौन किस किस तरह के शूज पहन के आते हैं देख लो, डिस्को वाले शूज है ये, डिस्को वाले शूज है वैसे वो सही है, ये भी देखो इसका तो फिर भी गुजारा, ये तो नॉर्मल है, मार्शल्लाह से दाढ़ी मुबारक भी है और ये जूते इसके जो है लड़की वाले पहने। ये क्या लेके जा रहे हो यार, अच्छा मलको ये बरात की खचो शितिरी मलको, 2 मिल्क पैक वहाँ से लेके आए हैं, 2 यहाँ लिए थे, 1 चाय, अभी जाएंगे घर की तरफ, लिटल बिट पैसे में सफा दर खड़ी यार, मंजूर भाई जो माल्टा आपने चुराया वो दे दो, जल्दी दे दो वो माल्टा दे दो यार, ऐसे खड़ा मैं किसी को नहीं बताऊंगा, माल्टा दे, नहीं नहीं यार नहीं, वो तो मुझे पता है, लेकिन नहीं इंसान कमजोर है, हो जाता है कभी कभी, आपने हो चोरी की है, नहीं 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 नहीं, माल्टा यार, माल्टा किधर है, आज हम आपको सिखाएंगे चाय कैसे बनाते हैं, चाय, सो आर यू गोना मेक ब्लैक टी नाउ, यस ब्लैक टी नाउ, और हम आपको बताएंगे कि कड़क चाय कैसे बनाते हैं, मैं ना इस घर में मशहूर हूँ चाय बनाने में, सबसे अच्छी चाय, मज़े की चाय मैं बनाता हूँ, वो क्यों, क्योंकि ये मेरा उस्ताद है, ये टिप्स एंड ट्रिक्स मुझे बताते रहता है, लेकिन अभी मैं इससे भी अच्छी बनाता हूँ, ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ चाय कैसे बनाते हैं, ये देखो ये भाई कह रहा है कि चलो हिसाब करते हैं, वो क्यों, क्योंकि घर का बड़ा बनाती है ना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है, वैसे जिम्मेदारी औकात से बड़ी दे दी है, लेकिन चलो क्या करें, एक इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस वी हैव टू गेन, व्लॉग के एंड में डेली एक कोटेशन ऐड करते हैं, तो आज एक अच्छी बात ऐड करेंगे जो हदीस के फॉर्म में, जिस तरह के हमने व्लॉगिंग में पीछे हदीस पढ़ी और वो हदीस का पूरा खुलासा ये है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जो लोग सहरी के लिए उठते हैं अल्लाह पाक और उसके फरिश्ते उन पर रहमत नाज़िल फरमाते हैं, तो हम ये करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम क्या करते हैं कि रात को कुछ लोग होते हैं खाना खा लेते हैं और कहते हैं कि हम अभी हमने अभी से नियत कर ली है, तो हम इस तरह करें कि अभी सहरी के लिए नहीं उठेंगे, तो रोज़ा हमने रख लिया, तो ये सहरी की रहमतों से महरूम रह जाते हैं, तो मेरी सबसे गुजारिश है कि आप लोग सहरी के लिए उठा करें, सहरी आराम से कर लिया करें, उसके बाद रोज़े की नियत कर लिया करें और रोज़ा रख लिया करें, ताकि उन रहमतों से आप महरूम ना हो, जज़ाकअल्लाह खैर।
सो गाइस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मैं आप लोगों को कहा था कि अफ्तारी और सहरी दोनों का आपको सफ़र कराएंगे, लेकिन ये कि हमने सिर्फ अफ्तारी तक की वीडियो बनाई, अफ्तारी तक का व्लॉग बनाया वो ये है कि बीच में बिज़ी हो गए थे, मेहमान वगैरह आए हुए थे और उसके बाद हम सो गए थे, फिर उसके बाद थोड़ी पढ़ाई वगैरह की, तो सहरी की वीडियो इस वजह से नहीं बनाई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको अफ्तारी और सहरी जब भी व्लॉग बनाएंगे तो अफ्तारी और सहरी दोनों आपको आप लोगों को कराएंगे। सो इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।